को इस तरह से बनाया गया कि अगर एक छोटा बच्चा देख रहा हो तो वो भी मजेदार इसको मजे से अच्छे से देखे। और साथ ही साथ मैं बताऊं इस मूवी। हेलो फ्रेंड, दिस इज मी कुणाल निषाद और आ गए एक नए रिव्यू के साथ। फाइनली जिस लम्हे का इंतजार था, जिसके लिए सुबह से सारी भारत की नहीं पूरे विश्व की जनता इंतजार कर रही थी, उस मूवी का टीजर आउट हो चुका है। 7:10 पर जो टीजर आउट हुआ शाम को और अयोध्या में लगी इतनी भीड़ और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग उसको देखना चाहते थे कि टीजर भगवान श्री राम का कैसा और बना और कैसे रहेंगे इसमें पात्र, सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो 1:46 के इस टीजर में शुरुआत होते ही, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कुछ दिनों बाद आने वाला दशहरा और सप्तमी के शुभ अवसर पर आदि पुरुष का ये टीजर रिलीज किया गया। तो ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत ये टीजर रिलीज किया गया और आदि पुरुष मूवी आपको देखने को मिलेगी 12 जनवरी 2023 को। इतने लंबे समय बाद ये मूवी रिलीज होगी, बट उससे पहले इतने जल्दी इन लोगों ने टीजर इसीलिए रिलीज किया। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके रिव्यू पे। तो टीजर जब स्टार्ट होता है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर आपको जो फील होगा, लगेगा कि वाकई में कई कई सदियों बाद, मतलब कई दशकों बाद, सदियां तो 100 साल हो गए, दशकों मतलब कई 10-15 साल 20 साल बाद कुछ ऐसा अच्छी सी मूवी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज और है कि देखिए आदि पुरुष में प्रभास काम कर रहे हैं। इससे पहले रामानंद साहब ने 1900 के दशक में, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे और दूरदर्शन पे जब वो टेलीकास्ट दिखाया जाता था, तब उस टाइम पर दूरदर्शन पे वो उस टाइम पर बनी, उसके बाद कई सालों तक चली, 2000 के बाद भी वो दूरदर्शन पर हम लोगों ने रामायण को देखा, दूरदर्शन पे देखा, डीवीडी में देखा, कहीं ना कहीं आपने रामानंद साहब की वो रामायण देखी। और उसमें अरुण गोयल ने जो राम भगवान का किरदार निभाया, वाकई में उन्होंने जो किरदार निभाया वो उनकी जिंदगी तो बदली गई, साथ ही साथ वो आज भी राम भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और इतना बढ़िया उन्होंने किरदार निभाया। अब आदि पुरुष के टीजर में जहां पर प्रभास ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, और साथ ही साथ ये है कि अब देखना ये होगा कि क्या जनता अरुण गोयल को भूल जाएगी या फिर प्रभास क्या इम्पैक्ट, कितना बेहतर इम्पैक्ट डाल पाएंगे अरुण गोयल से, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना भगवान श्री राम का, इसको निभा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति के लिए उस कैरेक्टर में घुसना एक कलाकार के लिए इससे बड़ी जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कलाकार के लिए इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो भगवान श्री राम बन रहे हैं, इससे बड़ी बात एक कलाकार के लिए क्या होगी। पैन इंडिया ये मूवी रिलीज होने वाली है। सीता माँ के रूप में आपको दिखेंगे कीर्ति सेनन, तो उनका थोड़ा सा लुक दिखाया गया, वो भी काफी बेहतरीन है। और जो रावण बने हैं वो सैफ अली खान। अच्छा, डायरेक्टर साहब जो ओम राउत है, उन्होंने तानाजी मूवी डायरेक्ट की है और साथ ही साथ ये मूवी भी उन्होंने डायरेक्ट की है। अब तानाजी आपने देखी, क्या क्लास मूवी और क्या ट्रेडिशनल मूवी, उनकी डायरेक्शन देखकर आपको मजा आई। ठीक यहाँ पर भी ओम राउत जी ने इतनी बढ़िया डायरेक्शन किया कि वो देखकर आपको अच्छा फील होगा। साथ ही साथ कुछ बस इतना सा मुझे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है सूत्रों के हिसाब से अगर आप गूगल करेंगे तो 300 से 500 करोड़ का बजट पे ये बनी मूवी। इस मूवी में 500 करोड़ के आसपास पैसा लगा, तो अगर VFX जो है, VFX की क्वालिटी थी थोड़ा सा और अच्छी होती तो मजा आती, पर कुछ जगह पर इतना प्यारे VFX लगाए हैं, वो पानी के अंदर जब भगवान श्री राम, अब तो मतलब ये समझ गया कि हर दूसरे के बनने के मुंह में सिर्फ प्रभास नहीं, भगवान श्री राम ही उनको माना जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि अगर उन्होंने इस पात्र में बिल्कुल अगर इन्वॉल्व हो गए तो वाकई में जैसे कि अरुण गोयल को लोग आज भगवान श्री राम मानते हैं, तो इन्हें भी प्रभास को भी एक समय पर लोग मानने लगेंगे, और क्योंकि आदि पड़ जाएंगे उस तरह से। तो उनका वो जो पानी के अंदर जो सीन शॉट लिया गया, वो शॉट देखकर काफी मजा आया, और रावण के जो 10 मूवी जो VFX निकाला गया सैफ अली खान का, वो भी देखकर काफी अच्छा लगा। इस मूवी को इस तरह से बनाया गया कि अगर एक छोटा बच्चा देख रहा हो तो वो भी मजेदार इसको मजे से अच्छे से देखे। और साथ ही साथ मैं बताऊं इस मूवी को बनाने के पीछे का, देखिए हमें और आपको कहानी है पता है, धर्म ने अधर्म पर जीत कर ली, और उसके बाद पर ये सारी चीजें हम लोगों ने किताबें में पढ़ी, हम लोग के समय पर इतना नहीं था कि हम लोग इतना बढ़िया देख पाए। तो आज की जनरेशन अगर इस मूवी को देखेगी तो वो अपनी भारतीय संस्कृति को जानेगी, समझेगी, और उसको VFX में लाना बहुत जरूरी था, भले मुझे कम लग रहा। देखो ऐसा क्रिटिक्स इतनी सारी मूवीज रोज देख रहा, तो मुझे लगता है कि ये भाई इसमें थोड़ा सा कम था, बट एक बच्चे के नजरिए से देखो, एक यंग जो 15-16-18 साल का टीनेजर उसके नजर से देखेंगे तो आप वाकई में लगेगा कि हाँ कुछ बनाया है, और उनके मन में एक कैरेक्टर जाएगा भगवान श्री राम जैसा बनना चाहिए, और लक्ष्मण का रोल भी बहुत थोड़ा सा दिखाया गया। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खुलती रहेंगी, ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा, और मूवी कैसी रहेगी इस आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए MBA मूवीबाज एलियन को, और चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में।